नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है और स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, जो एक लेडी सुपरवाइजर के लिए एक महत्वपूर्ण रामबाण की तरह साबित होगा। और अपना प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करते रहिए और अपना सिलेबस को कंप्लीट करिए और एक लेडी सुपरवाइजर का एक एग्ज़ाम का क्रैक करने का तरीका अपनाइए। तो आप लोग का हैप्पी दिवाली। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में है, नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्विगु समास। तो कौन सा समास है नील गाय में? तो ये कर्मधारय समास है। नेक्स्ट, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? कौन सा शब्द है? तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि समास है। तो कौन सा समास है महात्मा शब्द में? कौन सा समास होगा? तो इसका राइट क्या होगा? एक बहुव्रीहि समास है महात्मा। नेक्स्ट, दिनों का फेर होना, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर, दिन काटना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर भाग्य का चक्कर होना, इस मुहावरे का अर्थ होगा। चलिए नेक्स्ट, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ है, हार जाना, गिर जा पड़ना, भोजन खा लेना, भाग जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर? हार जाना, गिर जाना, भोजन खा लेना, भाग जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हार जाना, इस मुहावरे का अर्थ। मुंह की खाना मतलब का सही अर्थ हार जाना। नेक्स्ट, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है क्या है? एक विशेष पदवद है, क्रिया विशेषण पदवद है, सर्वनाम पदवद है या संज्ञा पदवद है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सर्वनाम पद बंध है। नेक्स्ट, छठा प्रश्न में, निम्न संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कौन सा संज्ञा हम लोग बोलेंगे इसका? तो क्या होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा किस पुरुष से संबंधित है? ये किस पुरुष से संबंधित है? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, तत्पुरुष समूह। तत्पुरुष समूह, तत्पुरुष पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष या अन्य पुरुष। तो ये किसमें होगा ये तीनों? तो मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये उत्तम पुरुष है। क्या है? उत्तम पुरुष। नेक्स्ट दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आप लोग का भली भांति पता होगा था, तीन होगा, दो होगा, चार होगा या सात होगा। तो पुरुषवाचक के कितने भेद हैं दोस्तों? तो तीन वाचक है। अभी पढ़े थे मध्य प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, ये पुरुषवाचक के सर्वनाम के भेद हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, तो उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या करण कारक। तो कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। नेक्स्ट, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होती है? कर्ता, कर्म, संप्रदान, करण। तो किसके लिए होता है दोस्तों? करण कारक के लिए। किसके लिए? करण कारक के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण है, कौन सा एक परिणाम बोधक है? भूखे लोग, सूखे पेड़, खूनी बढ़ती, कम आमदनी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, कम आमदनी। नेक्स्ट, विधान करने वाले शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को, क्रिया विशेषण को। तो
किसको बोलते हैं? क्रिया विशेषण के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधक क्रिया या नामधातु क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये कौन सा होगा? इसका राइट आंसर सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट रूप से क्रिया करने होती है सहायक क्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ये चारों में कौन सा एक अकर्मक क्रिया है? तो पहला में है पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, क्या इसमें अकर्मक क्रिया ये दोनों है? श्याम निबंध लिखता है, ये अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक है? राम मोहन डुरा रहा, तो ये अकर्मक क्रिया है, तो कौन सा है इसमें? तो जबकि मैं गेहूँ पिसाता हूँ, ये सकर्मक क्रिया है। श्याम निबंध लिखता है, ये सकर्मक क्रिया है। राम मोहन को रुलाता है, ये सकर्मक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पानी बरस रहा है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। ये क्या है? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से? बिहारी से, राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी। तो किस भाषा से, उपभाषा से संबंधित है दोस्तों? तो हो गया पूर्वी हिंदी से। किससे? पूर्वी हिंदी से। नेक्स्ट, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो किसने सुझाया था? राजा मोहन राय, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो किसने किया था, सुझाव दिया था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट, क वर्ग के क्षेत्र में कौन सा राज्य आते हैं? क वर्ग में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों? ये सभी। क्या? ये सभी तीनों आते हैं इसके। नेक्स्ट, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो हिंदी को कब मिली राजभाषा की मान्यता? तो इसका 24 सितंबर 1965 को, सॉरी 24 सितंबर 1955 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को। तो कब राजभाषा मान्यता मिली थी हिंदी को? तो दोस्तों इस तो 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट, विदेशी शब्द है कौन सा एक? ये चारों ऑप्शन विदेशी शब्द। क्या चश्मा विदेशी शब्द है? जूता विदेशी शब्द है? वायु विदेशी शब्द है या जेब? तो कौन सा होगा दोस्तों? जूता, ये तो देशी शब्द है। वायु विदेशी, जेब कि चश्मा एक विदेशी शब्द है। क्या है? विदेशी शब्द। नेक्स्ट, तच का तद्भव बताइए क्या होगा? लच्छी, लच्छ्य, लाख या लच्छ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा होगा दोस्तों? लाख हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? लाख। ऑप्शन नंबर सी, ये सॉरी दोस्तों यहाँ बी लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में कितने प्रकार होते हैं? तो 2, 5, 3, 7। तो कितना होता है दोस्तों? तो 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थान या स्थान में परिवर्तन किस व्यंजन लोप का उदाहरण है? तो किस व्यंजन का उदाहरण है? अत्यंत व्यंजन लोपन का, अति आदि व्यंजन लोप का, मध्य व्यंजन लोप का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी, ऑप्शन नंबर बी, आदि व्यंजन लोप। नेक्स्ट, काव्य हेतु क्या अभिप्राय है? काव्य काव्य कारण, काव्य का उद्देश्य, काव्य का लक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काव्य की कारण। नेक्स्ट, उसी तार तपरची किसे लंबे थे, देवदार दो चार खेड़, इनमें कौन सा अलंकार है? ये चम
प्रतीक रूपक अनुप्रास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक सैमुअल रिचर्ड अरस्तू लाइजेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरस्तू है। नेक्स्ट, कला के प्रति प्लेटो के का दृष्टिकोण है उपयोगितावादी, मानववादी, सौंदर्यवादी, आनंदवादी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा उपयोगितावादी। नेक्स्ट, आवेदित पद के लिए आवेदन करते समय पत्र में किस प्रकार का संबोधन है? पार्थिव, पूज्य, भावदीप, माननीय, महोदय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, माननीय महोदय। नेक्स्ट, एजेंडा शब्द के लिए शब्द हिंदी में प्रचलित है कार्य विभाजन, कार्यभार, कार्यसूची, कार्यपूर्ति। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? किसके लिए है एजेंडा शब्द के लिए किसी के लिए प्रचलित है? तो ये कार्यपूर्ति के लिए प्रचलित है। नेक्स्ट, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? अल्लाखंड, विश्व देव रासो, पृथ्वीराज रासो या परमार रासो। तो इंडियन ला चार्ल्स इलियट ने कौन सा ग्रंथ प्रकाशित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्लाह खंड किए थे। नेक्स्ट, सत्य को ना जानने वाले लोग कैसे बैठते हैं? कैसे बैठते हैं? मंदिर में, आसन पर, समाधि में, रास्ते पर, नदी के किनारे। तो कहाँ पर बैठते हैं? तो आसन पर, समाधि में। नेक्स्ट, सूरदास की साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? तो किस भाषा की प्रमुखता है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, बुंदेली भाषा, राजस्थानी भाषा। तो कौन सा भाषा है सूरदास की साहित्य में किस प्रमुखता? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रज भाषा है। नेक्स्ट, तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो ज्ञान मार्गी के हैं, प्रेम माम गर्गी के हैं, कृष्णा कृष्ण मार्गी के हैं, राज मार्गी के हैं। तो दूसरा किस कवि की शाखा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, राम मार्गी के हैं। क्या है? राम के बारे में अधिकतर अपने कवि में बात की है। नेक्स्ट, बिहारी ने काव्य शिक्षा कहाँ से पाई? आचार्य दास से, आचार्य अत्रे से, आचार्य केशवदास से, आचार्य मणिक काश से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, आचार्य केशवदास से। नेक्स्ट, पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा बनाना चाहता है? यमुना के किनारे, कदम के पेड़ पर या गोवर्धन पर्वत पर या नदी के किनारे। तो कहाँ बसेरा बनना चाहती थी पक्षी और कवि? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमुना के किनारे, कदम के पेड़ पर। नेक्स्ट, भूषण के प्रथम छंद में निम्नलिखित कौन सा रस है? भक्ति रस है, शांत रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, वीर रस है। नेक्स्ट, राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो शकुंतला देवी, लखीमा देवी, पूनम देवी, मीनाक्षी देवी। तो राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लखीमा दी। तो इनके पत्नी का नाम था। नेक्स्ट, कबीरदास की पुत्री का क्या नाम था? तो कमाली, रजनी, दिव्या, इनमें से कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमाली। कबीरदास की पुत्री का नाम क्या था? कमाली। नेक्स्ट, सूरदास के
ने किस भाव की भक्ति का प्रदर्शन किए हैं? स्वामी भाव का, दास्य भाव का, साध्य भाव का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दास्य भाव का। नेक्स्ट, तुलसी ने किस युग की शिकायत ईश्वर से की है? कलयुग की, त्रेता का, द्वापर का, सतयुग का? तो किस युग की शिकायत किए हैं तुलसीदास जी ने? तो ये होगा ऑप्शन नंबर एक, कलयुग का किए हैं। नेक्स्ट, आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई की प्रमुख टीकाओं की संख्या है 7, 15, 11, 5। तो कितने टीकाएं हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 5 है। नेक्स्ट दोस्तों, कवि रसखान की मृत्यु कब हुई? तो सन वत 1965 ईस्वी में, सन वत 1628 ईस्वी में, सनवत 1790 ईस्वी में, सनवत 1780 ईस्वी में। तो कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1628 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों, भूषण हिंदी कविता में किस काल के प्रसिद्ध कवि है? रीति काल के, भक्ति काल के, मध्य काल के, आधुनिक काल के? तो किस काल के हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा रीति काल के हैं। नेक्स्ट, हाय वह भारत भू काशी दो या कलंक राशि, ये पंक्ति किस कवि की है? श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु, माखनलाल चतुर्वेदी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भारतेंदु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सदा पूर्ण सिंह? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, बद्री नारायण चौधरी जी भारतेंदु मंडल का लेखक है। नेक्स्ट, भारतेंदु ने स्वयं नाटक लिखने और अपने सहयोगी को इस ओर क्या किया? आकर्षित किया, प्रवृत्त किया, प्रेरित किया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रवृत्त किया। नेक्स्ट, नीलांबर परिधान रहित हरित पट पर सुंदर है सूर्य चंद्र मुकुट मेखलाकर, इस पंक्ति में कौन भाव है? तो क्या है? देश प्रेम भाव है, प्राकृतिक चिंतन भाव है, राष्ट्रभक्ति है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से भाव है इस पंक्ति में दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देश प्रेम के भाव है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने दिनकर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया था? कवि रत्न, देश रत्न, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ? तो किस रत्न से दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पद्म भूषण से किया था। नेक्स्ट, कौन कौन कवि अपने समय में अधिक विवादास्पद रहा किंतु कालांतर में उतना ही अधिक निर्वाद रहा, वो सर्वग्रहण सिद्ध हुआ? तो कौन? पंत जी ने, निराला जी ने, महादेवी वर्मा ने, प्रसाद जी ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निराला जी। कौन? निराला जी। नेक्स्ट, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया, यह कथन किसका है? नीरज, महादेवी, पंत जी का, निराला जी का? तो किसका है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, पंत जी का है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञेय जी ने कविता, कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध संग्रह, आलोचना, हिंदी साहित्य, नाटक एवं यात्रा वृत्तांत के अतिरिक्त किस साहित्यिक रूप में सभी समीक्षात्मक दर्शन कराते हैं? तार सप्तक, भाग 1 में, भाग 2, भाग 3 में, नई कहानी, अकहानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नए ये। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। ठीक, ओके, आप लोग हैप्पी दिवाली, अपनी दिवाली को अच्छे से मनाइए।